हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड कंट्रोल्स के बारे में पढ़ रहे थे, रिस्क और कंट्रोल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो अगला टॉपिक है सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी सिक्योरिटी पॉलिसी का फ्रेमवर्क। सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है, पॉलिसी कौन बनाता है? स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाता है, उसका फ्रेमवर्क। अब सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क में पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स होती हैं, स्टैंडर्ड्स। अगर हम पॉलिसी प्रोसीजर बनाएंगे तो स्टैंडर्ड्स उसे सपोर्ट करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर स्टैंडर्ड्स होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। जैसे ISO स्टैंडर्ड बनाता है, कोविड स्टैंडर्ड इशू करता है। तो ये जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं, इन स्टैंडर्ड्स को अडेप्ट करते हैं हम, इनके बेस लाइंस या गाइडलाइंस को हम अडेप्ट करते हैं, और अडेप्ट करके ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अडेप्ट करते हैं। क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड्स इशू होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इशू होते हैं, स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं बेसिकली ये। तो हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अडेप्ट करते हैं, और फिर उसी के अनुसार पॉलिसी और प्रोसीजर्स बनाते हैं। लेकिन पॉलिसी और प्रोसीजर्स, पॉलिसी बेसिकली जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड से ऊपर होती है, क्योंकि पॉलिसीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंट बनाती है। कई बार क्या है, स्टैंडर्ड्स के विरोध में होती है पॉलिसी, लेकिन पॉलिसी स्टैंड आउट करती है। लेकिन स्टैंडर्ड्स जो है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ही लिए गए, तो वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस आपको बताएंगे, और वो प्रैक्टिसेस फॉलो करना अच्छी बात होता है। और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट करके उसी तरीके से स्टैंडर्ड्स रख लेते हैं। कई बार इसलिए रख लेते हैं कि मैनेजमेंट को नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं होती, वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं उसमें से। और कई बार स्टैंडर्ड्स को थॉट प्रोसेस होती है, तो वो स्टैंडर्ड्स रोबस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो स्टैंडर्ड्स के बारे में बहुत लोगों ने बहस की होती है, वो स्टैंडर्ड्स पूरी वर्ल्ड के लिए। जब ये स्टैंडर्ड्स इशू होते हैं, तो इंटरनेट में ओपन क्रिटिसिज्म इनका बुलाया जाता है। जैसे हमारे अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है, तो अपनी ओपिनियन मांगता है कि कहाँ पर गड़बड़ है, क्या चीज़ चेंज करना चाहिए, और फिर ओपिनियन को एक कमेटी देखती है, ओपिनियंस क्रिटिसिज्म को देखती है और रीड्राफ्ट करती है। उसी तरीके से स्टैंडर्ड्स होते हैं, बहुत से वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स से सलाह लेकर ये स्टैंडर्ड बनते हैं। तो ये प्रिटी रॉबस्ट होते हैं, रॉबस्ट स्टैंडर्ड होते हैं। तो बेसिकली पॉलिसी प्रोसीजर्स जो कि सपोर्टेड है स्टैंडर्ड से, बेसलाइन से, गाइडलाइन से, और सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। मतलब एंटीवायरस लगा रहे हो आप फायरवॉल लगा रहे हो या कोई और चीज़ लगा रहे हो, तो वो सब, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क में आती हैं। तो अगर आपसे कहेंगे सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, तो आप कहोगे पॉलिसी प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स, बेसलाइन, गाइडलाइंस और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज। सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, IS इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज, ये सब मिलके जो है सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाती हैं। तो सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क एक टेक्निकल कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है और ह्यूमन कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है, यानी ये दोनों का मिक्सचर होता है, एक मिक्स होता है और एक ऑप्टिमम मिक्स होता है। हमने पिछले सेशंस वगैरह में पढ़ा कि ये ऑप्टिमम मिक्स होना चाहिए और फाइन ट्यून्ड मिक्स होना चाहिए, और समय के अनुसार ये मिक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि समय के अनुसार क्या है, टेक्नोलॉजी ऑटोमेट करती जा रही है, ह्यूमन बींग को लूप से निकालती चली जा रही है, ऑटोमेशन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो ह्यूमन कंट्रोल्स होते हैं, टेक्निकल कंट्रोल्स होते हैं। ह्यूमन कंट्रोल्स जो होते हैं वीक लिंक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो वीकेस्ट लिंक होते हैं वो ह्यूमन कंट्रोल्स होते हैं। ह्यूमन कंट्रोल्स क्या हैं, क्योंकि वो रिलायबल नहीं होते हैं, रिलायबिलिटी नहीं रहती है ह्यूमन बींग से, कभी बीमार पड़ जाएगा, कभी नौकरी छोड़ के चले जाएगा, कभी दूसरी कंपनी में चले जाएगा, कभी पैसे की डिमांड करने लगेगा, कभी बोर होगा, कभी उसका ध्यान नहीं होगा, घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका ध्यान नहीं होगा, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ऐसी चीज़ ऑटोमेटेड टेक्निकल कंट्रोल से नहीं होती है। टेक्निकल कंट्रोल्स जनरली आपने उसमें लॉगरिथम फिट कर दिया तो वो अपना काम करेंगे, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड एरिया में काम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम वहाँ काम कर सकते हैं। जहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, वहाँ अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस लेवल तक नहीं पहुँची कि अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ों को ओवरटेक कर लें। तो बेसिकली सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क में टेक्निकल कंट्रोल्स होंगे, ह्यूमन कंट्रोल्स होंगे, ह्यूमन कंट्रोल्स वीकेस्ट लिंक होंगे, एक बात ध्यान देने की होगी। उसके बाद पॉलिसी प्रोसीजर्स जो है वो क्रिटिकल कंपोनेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट में, और
वो आपका जैसे कहें फाउंडेशन ले डाउन करते हैं, पॉलिसी और प्रोसीजर्स। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जो है उसकी फाउंडेशन ले करते हैं पॉलिसीज और प्रोसीजर्स। पॉलिसीज और प्रोसीजर्स कंट्रोल के जो सबसे टॉप मोस्ट इंस्ट्रूमेंट है पॉलिसी और प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि पॉलिसी से ही ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का जो टॉप मैनेजमेंट है उसका इंटेंट फ्लो के आता है। यानी जो लालाजी बैठे हुए हैं सबसे ऊपर वाले लालाजी, वो कुछ शेयर होल्डर जो मालिक हैं वो बैठे हुए हैं, उनका इंटेंट फ्लो करके आता है। वहाँ पर जनरली प्रोफेशनल्स बैठते हैं। अगर प्रोफेशनल कंपनी है तो शेयर होल्डर अलग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होते हैं, वहाँ पर वो टॉप मैनेजमेंट में प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं और प्रोफेशनल्स बैठते हैं और वो प्रोफेशनल्स पॉलिसी करते हैं और फिर उसके बाद उसी के अगेंस्ट प्रोसीजर्स बनते हैं। तो उसके अलावा क्या है, रीगर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हमें देखनी है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट देखनी है, एग्रीमेंट देखना है, आईटी कंट्रोल्स देखना है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स देखना है। ये सारी चीज़ें देखकर ही हम सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे। मतलब लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, एग्रीमेंट, आईटी कंट्रोल, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड देखे हम सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे। सिक्योरिटी पॉलिसी बनने के नीचे क्या होगा, प्रोसीजर्स बनेंगे और साथ में स्टैंडर्ड्स बेस लाइन गाइडलाइंस होगी और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी होगी जो कि हम मार्केट से उठाएंगे और ये सब मिलकर सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगा। यानी कि एक फ्रेमवर्क होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, एक फ्रेमवर्क बन जाएगा सिक्योरिटी पॉलिसीज़ का। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि अच्छी सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या चाहिए। सबसे पहले क्या है कि सिक्योरिटी पॉलिसी में पर्पस और स्कोप चाहिए, एक डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी में भी कई लेवल्स हैं, उसमें जैसे आपका आपका जो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वाइड होती है जनरली पॉलिसी, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने कई बार बोला आपका एक पर्टिकुलर डेटाबेस है, बैंक का एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, उसके लिए सिस्टम लेवल की सिक्योरिटी पॉलिसी होगी। पॉलिसी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, लेकिन पॉलिसी होगी। क्यों पॉलिसी होगी, क्योंकि मैनेजमेंट उस पर्टिकुलर एसेट को बहुत ही क्रिटिकल मानता है और उसके बारे में डिसीजन लेता है, खुद डिसीजन लेता है, वो किसी पर डिसीजन पर नीचे विश्वास नहीं करता। यानी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपने देखा कि एक लालाजी होते हैं, उनके कई एक कंपनी होती है, तो उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ होती है जिस पर वो किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, तो लोग कहते हैं कि लालाजी इस पर किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ है वो हाइस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट बना रहा है, तो वो पॉलिसीज़ होती हैं। तो बेसिकली अच्छी सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो ये बताएगी कि भाई पर्पस और स्कोप बताएगी, वो डॉक्यूमेंटेड होगी और ये बताएगी इंटेंडेड ऑडियंस कौन है। मतलब ये भैया इसके लिए ये पॉलिसी किस किस बंद किसके लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आईटी डिपार्टमेंट के लिए या किसके लिए, अगर पॉलिसी वो और पॉलिसी पर्पस बना रहे हैं, सबसे पहले पर्पस बनाएंगे, उसके बाद स्कोप क्रिस्टलाइज करेंगे। हर जगह सबसे पहले पर्पस बनाया जाएगा, फिर स्कोप क्रिस्टलाइज किया जाएगा उस डॉक्यूमेंट का, और फिर उस डॉक्यूमेंटेशन नहीं सॉरी पर्पस बनाया जाएगा और स्कोप क्रिस्टलाइज किया जाएगा उस सिक्योरिटी पॉलिसी का, और उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा और उसमें इंटेंडेड ऑडियंस भी होंगे, कौन किसके लिए, आईटी के लिए, नॉन आईटी के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए, ये उसमें लिखा जाएगा। उसके बाद बेसिक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होंगी और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उसमें लिखा होगा। फिर सिक्योरिटी पॉलिसी का स्ट्रक्चर होगा, सिक्योरिटी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को किस तरह से मेंटेन करेंगे, क्योंकि उसे अपडेट करते रहना पड़ेगा। हर 5 साल में जनरेशन चेंज हो जाती है, हर साल में हो सकता है, हर साल 2 साल में सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ नए एसेट्स आ जाएं, नए सॉफ्टवेयर्स आ जाएं, अपग्रेडेशन आए, वर्जन तो आजकल रोज ही आते हैं। मोबाइल है आपका, तो हर आप मोबाइल में एंड्रॉयड में अचानक आप देखेंगे कि जीमेल अपडेट हो रहा है, और फिर उसके नीचे जाएंगे प्ले स्टोर में नीचे जाएंगे तो वर्जन देखेंगे तो आपको अगला वर्जन दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि वर्जन्स उसमें दिखाई देने लगते हैं। तो बेसिक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट और सॉरी सिक्योरिटी पॉलिसी के डॉक्यूमेंटेशन की मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए वर्जन्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, अपडेट्स हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पॉलिसी भी चेंज होती रहेगी। तो सिक्योरिटी पॉलिसी को डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उस सिक्योरिटी पॉलिसी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस का मतलब उसको समय के अनुसार चेंज करना, समय के अनुसार अपडेट करना, बेसिक अच्छा वर्ड होगा, समय के अनुसार अपडेट करना, सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट देखना, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको उसे अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई इंसिडेंट होता है, सिक्योरिटी है तो इंसिडेंट होगा, अगर सिक्योरिटी कहीं पर कमज़ोर पड़ गई तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्या है, इंसिडेंट की कैसे रिपोर्टिंग होगी, कारपेट के नीचे छुपा तो नहीं दिया जाएगा,
सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, उसके बाद इन्वेंट्री और क्लासिफिकेशन करेंगे एसेट्स की। आपको पूरी एसेट की इन्वेंट्री होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए एसेट का। उसके बाद टेक्नोलॉजी का डिस्क्रिप्शन होना, कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। आउटसोर्सिंग और थर्ड पार्टी एक्सेस के लिए पॉलिसी होनी चाहिए, या आपकी जो मेन पॉलिसी है उसमें उसके लिए जगह होनी चाहिए। फिर आप पर्सनल सिक्योरिटी और रिलेटेड एचआर पॉलिसीज़ होनी चाहिए। फिजिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ में कुछ बोला जाना चाहिए, मतलब सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में फिजिकल और एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ के बारे में भी बोला जाना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी मैनेजमेंट और एक्सेस कंट्रोल्स, यानी कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, आइडेंटिटी मैनेजमेंट और एक्सेस कंट्रोल्स के लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के पार्ट होते हैं। आईटी ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में सिक्योरिटी पॉलिसी बोलना चाहिए, आईटी कम्युनिकेशन के बारे में होना चाहिए। सिस्टम डेवलप हो रहा है तो सिस्टम डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कंट्रोल्स होने चाहिए। अगर सिस्टम अपडेट कर रहे हैं, आप खुद ही अपडेट करें, तो मेंटेनेंस कंट्रोल होनी चाहिए, सिस्टम मेंटेनेंस कंट्रोल होनी चाहिए। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होनी चाहिए, लीगल और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के बारे में उस पॉलिसी में होना चाहिए कि किस तरह से उसे ट्रीट करेंगे। अगर कंप्लायंसेस चेंज हो रहे हैं, लीगल में अगर कुछ चेंजेस आ गया तो कौन इनिशिएट करेगा, कौन बताएगा किस तरीके से हम चेंजेस करेंगे, और किस तरह से सीनियर मैनेजमेंट को पता चलेगा, वो इंस्टेंटली ओवरराइड करेगी पॉलिसी से। वैसे तो पॉलिसी से इंस्टेंटली ओवरराइड करनी चाहिए, लॉ हमेशा पॉलिसी वगैरह से ओवरराइड करेगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर प्रोसेस बनाया जा सकता है कि सीनियर मैनेजमेंट को पहले बनाया जाएगा और फिर वो इंटीमेट करेगा और उसके बाद फिर पॉलिसी में चेंज लाया जाएगा। इस तरह की चीज़ें पॉलिसी में हो सकती हैं। फिर बेसिकली ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट क्या होंगी, मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट क्या करेंगे, आप सिस्टम है सिक्योरिटी पॉलिसी उसको मॉनिटर करना है ताकि कॉन्स्टेंटली पॉलिसी के कंट्रोल्स वीक ना हो। अगर अचानक कॉन्स्टेंट रहें पॉलिसी के कंट्रोल्स कॉन्स्टेंट रहें ताकि सिक्योरिटी ब्रीच ना हो पाए, तो मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स होगा। उसके बाद टेक्निकल पॉलिसी क्या है, अंडरलाइंग टेक्निकल पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें एक अच्छी सिक्योरिटी पॉलिसी में होंगी। इसके बाद हमारी स्टडी जो है आईटी गवर्नेंस के बारे में कहती है, मतलब सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में उसने पहले बताया। उसने बताया कि भैया सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क होता क्या है, हमने पढ़ा कि पॉलिसी प्रोसीजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड, बेसलाइन, गाइडलाइंस, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और जितनी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको बंच कर दो और उसको एक मिला के एक सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाती है, यानी कि उसको सही तरीके से आप अरेंज करोगे तो सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क बन जाएगी। उसी तरीके से जैसे लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, वो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्लान का टोटल होता है। तो पॉलिसी, फिर हमने ये पढ़ा कि पॉलिसी प्रोसीजर क्रिटिकल कंट्रोल होते हैं, क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट के। उसके बाद अच्छी सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमने पढ़ा इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उसके अलावा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के लिए भी होना चाहिए, लीगल कंप्लायंस के लिए भी होना चाहिए उसमें सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में होना चाहिए, इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के बारे में होना चाहिए, इंसिडेंट रिपोर्टिंग के बारे में होना चाहिए, कैसे इंसिडेंट रिपोर्टिंग होगी, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो जैसे ही आप पर्पज़ और स्कोप फ्रीज करेंगे सिक्योरिटी पॉलिसी में, तो उसके बाद जो है सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो वन ऑफ द सेकंड और थर्ड रिक्वायरमेंट जो होगी वो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। आईटी गवर्नेंस के बारे में हमारी स्टडी ये कहती है कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट गवर्नेंस को डिफाइन करता है। गवर्नेंस बेसिकली क्या है, गवर्नेंस वो कहता है कि कुछ लोग मिलते हैं और वो गवर्न करते हैं, एक अरेंजमेंट होता है गवर्नेंस बेसिकली। और गवर्नेंस सबसे पहले कुछ लोग मिलते हैं और कुछ लोग मिलके गवर्न करते हैं, गवर्नेंस कुछ लोग मिलके ही करेंगे, तो वो एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है एंटिटी मैनेजमेंट में, गवर्निंग बॉडी में, ओनर में, शेयर होल्डर में, और फिर एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो कुछ काम कर सकते हैं। अब वो क्या काम कर सकते हैं, जिसके थ्रू गवर्नेंस का काम कर सकते हैं, तो सबसे पहले वो कहता है गवर्नेंस करने के लिए गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। ये कहता है कि कुछ लोग होते हैं, वो मिलते हैं और एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, और वो एंटिटी के मैनेजमेंट हो सकते हैं, गवर्निंग बॉडी हो सकती है, ओनर हो सकते हैं, स्टेक होल्डर हो सकते हैं, और वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और उस स्ट्रक्चर से कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं, पहला वो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि ये एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं भैया,
कि गवर्नेंस में पहला स्टेप ये है कि ये तो पता चले करना क्या है। आप एक चार पांच आदमी एक कंपनी खोल रहे हो और उसके बाद आप मोबाइल की कंपनी खोल रहे हो, आपने कंपनी खोल दी, आपको पता ही नहीं कि करना क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स आप सेट आउट करोगे ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के मेथड्स आउटलाइन करोगे, और उसके बाद क्या है कि उसको परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे और उसकी मॉनिटरिंग करोगे परफॉर्मेंस की। तो बेसिकली इसे हम गवर्नेंस कहेंगे। गवर्न कर रहे हो, गवर्न कर रहे हो तो गवर्न कैसे कर रहे हो? अगर कंट्री को गवर्न कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? बेसिकली देश चला रहे हो या कंपनी चला रहे हो? कंपनी कई लोग मिलकर बैठे, उन्होंने सेट ऑब्जेक्टिव सेट किए और उन्होंने कहा जी ये है, ऐसे ऐसे हम ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करेंगे, और फिर काम करना चालू किया, उसको मॉनिटर किया, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हो, उसको ठीक करते जा रहे हो, उसमें वो देते जा रहे हो, अपने सजेशंस वगैरह देते जा रहे हो। तो बेसिकली ये गवर्नेंस है। आईटी गवर्नेंस क्या है? आईटी की गवर्नेंस है, आईटीसी गवर्नेंस है। आज की डेट में क्या है कि बिजनेस इंटरप्राइजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। आईटी का रोल पहले बिजनेस इनेबलर का था, मतलब आईटी जो थी जब स्टार्टिंग में आई थी वो बिजनेस को हेल्प करती थी, लेकिन आज बिजनेस ड्राइवर है, कल की डेट में बिजनेस को ड्राइव करती है। आज की डेट में आईटी जो है एक इनेबलर से ड्राइवर बन गई है बिजनेस। ऐसा है कि कल की डेट में क्या था कि जब आपको एक इनेबलर और ड्राइवर में ये अंतर है कि अगर मान लिया सपोज आपको पाइनएप्पल का केक पसंद है, तो पाइनएप्पल आप लेकर आते हो तो एक प्लेट में लेकर आते हो, प्लेट अच्छे होटल में वो प्लेट भी अच्छी होती है, तो वो प्लेट इनेबलर है लेकिन पाइनएप्पल ड्राइवर है। तो आईटी जो है, क्योंकि बिजनेस ड्राइवर तो वही है, पाइनएप्पल नहीं होगा तो बिजनेस कहाँ से बढ़ेगा? बिजनेस ही नहीं बढ़ेगा। धंधा क्या है? पाइनएप्पल बेचने का धंधा है, पाइनएप्पल ही केक, पाइनएप्पल केक बेचने का बिजनेस है, और पाइनएप्पल केक ही नहीं बेचोगे तो वो ड्राइवर, बिजनेस ड्राइवर ही गायब हो गया तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। बिजनेस इनेबलर जो होता है उसमें क्वालिटी कम हो सकती है, कई बार वो ना भी हो तो चल जाता है। पाइनएप्पल ग्राहक आया, उसने कहा जी प्लेट नहीं है साहब, ये ले लीजिए, आपकी पेस्ट्री की शॉप में आया, आपने कहा पाइनएप्पल का ये ले लीजिए, हाथ ही में दे दिया, एक न्यूज़पेपर फाड़ा और उसी में दे दिया उसे पाइनएप्पल, उसने खा लिया, पैसे दे दिए, आपको चला गया। तो बेसिकली पहले क्या थी, वो प्लेट थी, बिजनेस इनेबलर थी, अब बिजनेस ड्राइवर हो गई है। तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी हो गया बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि बिजनेस ही वो हो गया आज की डेट में। आज की डेट में नीचे की चीज़ें ऑटोमेट होती चली जा रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने की कोशिश की जा रही है, नैरो आर्टिफिशियल AI आ गई है बहुत जगह में। इवन क्या कहते हैं आपका वॉटसन जो है वो इस तरह का हो गया है, जो वॉटसन कंप्यूटर है था IBM का, वो इस तरह का होता हो गया है कि वो मेडिकल रिसर्च करने लग गया है खुद ही। तो बेसिकली इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है और IT बढ़ता जा रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो ह्यूमन बीइंग की तरह हो जाएगी कंप्यूटर, मतलब हम उससे बोलेंगे कि घर में जाएंगे तो कहेंगे लाइट खोलो, तो वो बोलेगा, मतलब नॉर्मली बात करने लगे। अगर मान लिया उसने कहा लाइट खोलो तो उसने कहा कि अभी खोल रहा हूँ, या लाइट आपने बोला या कुछ भी बोला वो समझ लेगा और आपको ह्यूमन बीइंग की तरह रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगा। यूजीन गुड्समैन नाम का एक ट्यूरिंग टेस्ट होता है कंप्यूटर्स में। ट्यूरिंग टेस्ट में क्या है कि एक तरफ चार पांच एक कंप्यूटर्स होंगे और दूसरी तरफ ह्यूमन बीइंग होंगे, एक तरफ एक कुछ ह्यूमन बीइंग्स होंगे कुछ कंप्यूटर होंगे, मतलब एक तीन ह्यूमन बीइंग होंगे एक कंप्यूटर होगा, इधर दूसरी तरफ आदमी होंगे, तो आदमी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेगा और दूसरे तरफ आदमी से कम्युनिकेट करेगा। तो ह्यूमन बीइंग को अगर ये कन्फ्यूजन हो जाए कि सामने कंप्यूटर नहीं है आदमी है, चार आदमी में से वो कन्फ्यूज़ हो जाए कि कौन सा कंप्यूटर है कौन सा आदमी है, तीन आदमी एक कंप्यूटर है वहाँ पर, वो कन्फ्यूज़ हो जाए तो ट्यूरिंग टेस्ट पास हो जाएगा। तो यूजीन गुड्समैन ने एक लिमिटेड लेवल पर ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया है, दो उसमें अभी फ्लॉज हैं, परफेक्शन आना बाकी है, लेकिन जो है आईटी आज बढ़ता जा रहा है, चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं, सेंसर्स लगने वाले, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने वाला है और सेंसर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और तो क्या है कि स्ट्रेटेजिक जो आईटी जो है उसका स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होना चाहिए बिजनेस स्ट्रेटेजी से। बिजनेस स्ट्रेटजी ही आईटी स्ट्रेटजी, आईटी एक मेजर पोर्शन बन जा रहा है बिजनेस स्ट्रेटजी का, और दोनों का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे फेसबुक है, फेसबुक में आईटी ही बिजनेस है,
गूगल है आईटी ही बिजनेस है। आप बिजनेस सोचोगे तो आईटी ही सोचोगे, क्या कर रहे हैं आईटी सोच रहे हैं, हर चीज़ में आईटी, आईटी के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो 100% 99% स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होना चाहिए उन कंपनीज़ का। कई कंपनीज़ का स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट कम है क्योंकि अभी ऑटोमेशन का लेवल कम है। तो बेसिकली स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन हमें पता करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या है, और उसे क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा और उसको मेजर करना पड़ेगा, और ये डिटरमाइन करना पड़ेगा आईटी क्या ये एक्सपेक्टेशन मीट आउट कर रही है कि नहीं कर रही है। मैनेजमेंट को ये जानना बहुत जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वैल्यू ऐड कर रही है कि नहीं कर रही है, ये पहली चीज़ वैल्यू ऐड कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरी चीज़ आईटी रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कई जगह पर आईटी हमसे बहुत आगे है, ऑर्गेनाइजेशन में लोग आईटी का उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं। कई जगह पर आप कई लोग फ्यूचरिस्टिक होते हैं तो वो जरूरत से ज़्यादा आईटी यूज़ करने लगते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाती वहाँ पर आईटी। हाँ, साल भर बाद वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी, 2 साल बाद वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी, लेकिन आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो वो फाइन ट्यूनिंग देखनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से यूटिलाइज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। और दूसरा, कई जगह पर नेट वैल्यू एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा एक मोबाइल है, आज के डेट में जो 50,000 का मोबाइल आता है, 2 साल में वो 15,000 का आने लगता है। 15,000 नॉर्मल आदमी के पहुँच में होती है, तो नॉर्मल आदमी 2 साल बाद खरीदेगा क्योंकि 10,000 या 15,000 का मोबाइल जो का 10,000 का है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा उसे, लेकिन 50,000 का मोबाइल उतनी वैल्यू नहीं देगा, तो उसको वेट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी जो है स्पीडली आ रही है तो उसको वेट करना पड़ेगा, तो वो 50,000 का मोबाइल लेगा तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। और अगर मान लिया सपोज उसने आज की डेट में 10,000-15,000 का जो मोबाइल चाहिए वो ले लिया, लेकिन उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा है वो, कॉस्ट टेक्नोलॉजी तो है लेकिन उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहा है वो उस स्मार्टफोन का, वो यूज़ एक केवल मोबाइल फ़ोन की तरह यूज़ कर रहा है, बाकी चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा है उसमें, मैप्स यूज़ नहीं कर रहा है और बाकी चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा है उसमें, तो वो इनफेक्टिव यूटिलाइजेशन है। इसी तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन में ये देखना पड़ेगा ऑप्टिमम लेवल तक रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड हैं, ये पर्टिकुलर आईटी में हमें देखना पड़ेगा। तो यानी 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, पहली चीज़ ये देखनी पड़ेगी अलाइन स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है कि नहीं है, और ये जैसे समय बीतता जाएगा वैसे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो आईटी की स्ट्रेटेजी का बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये देखना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन के अनुसार है कि नहीं है, वो कहीं ऐसा तो नहीं वो उस कॉस्ट ज़्यादा है, वैल्यू उतना नहीं दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि टेक्नोलॉजी है लेकिन सारा उसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, तो दोनों चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो रहा है और यूज़ कर रहे हैं, तो गवर्नेंस अच्छी है, आईटी गवर्नेंस अच्छी है। बेसिकली आईटी गवर्नेंस क्या है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो आईटी का उससे क्या कहते हैं, और उसी पर काम कर रहा हो और टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ किया जाए, जितना यूज़ कर सकते हैं जो ऑप्टिमम लेवल तक उतना यूज़ किया जाए। इसके बाद हमारी स्टडी आईटी बोलती है, आईटी गवर्नेंस को फिर से डिफाइन करती है, वो कहती है दूसरी डेफिनेशन देती है। पहली डेफिनेशन तो उसने ये बोली कि भाई ऐसा है, बहुत सारे लोग मिले, बहुत लालाजी लोग मिले, एंटिटी के मैनेजमेंट मिले, गवर्निंग बॉडी मिले, ओनर मिले, स्टेक होल्डर मिले, और फिर उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर ऑब्जेक्टिव मेथड आउटलाइन किया, और उसके बाद उन्हें काम धंधा स्टार्ट किया, उसको मॉनिटर करना स्टार्ट किया। दूसरा डेफिनेशन जो हमारी आईटी गवर्नेंस की जो बेसिकली है, क्योंकि पहली डेफिनेशन तो गवर्नेंस की है और दूसरी डेफिनेशन है आईटी गवर्नेंस की। आईटी गवर्नेंस की जो डेफिनेशन है वो आईटी गवर्नेंस इंस्टीट्यूट बताता है, और वो ये कहता है कि आईटी गवर्नेंस इंस्टीट्यूट कहता है कि आईटी गवर्नेंस एक स्ट्रक्चर है, मतलब कुछ प्रोसेसेस के बीच में रिलेशनशिप है, और उन प्रोसेसेस से मतलब एक स्ट्रक्चर टाइप का है, एक रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी कि बहुत सारे लोग बैठ गए, उनका कोई ना कोई आपस में रिलेशनशिप है, कोई आईटी मैनेजर है, कोई डेटाबेस मैनेजर है, तो वो किसी तरीके से रिलेटेड है आपस में, वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और फिर बहुत सारी प्रोसेसेस फॉर्म करते हैं। ये प्रोसेसेस क्या करती हैं, आईटी का यूज़ करते हुए और आईटी के प्रोसेसेस का यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को
गोल के डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन को मूव आउट कर मूव कराती हैं और वैल्यू को ऐड करती हैं और रिस्क वर्सेस रिटर्न को बैलेंस करती है। तो कहने का मतलब अगर इसे समराइज़ करें, कुछ लोग हैं जो आपस में किसी तरीके से रिलेटेड हैं और उन्होंने आईटी की प्रोसेस यूज़ करनी चालू की है, आईटी और उसकी प्रोसेसेस यूज़ करने चालू किया और उससे क्या करते हैं वो बिज़नेस के गोल्स को मीट आउट करने की कोशिश करते हैं और उससे वो क्या करते हैं वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करते हैं और उससे वो रिस्क वर्सेज रिटर्न को, जब ये सारी चीज़ें करते हैं रिस्क वर्सेज रिटर्न को बैलेंस करते हैं, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव वे में करते हैं। मतलब एक तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स मीट आउट कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और तीसरा क्या कर रहे हैं रिस्क वर्सेस रिटर्न को देख रहे हैं। और ये सारी चीज़ें किस तरीके से कर रहे हैं, आईटी के टूल्स और उसकी प्रोसेसेस के थ्रू कहते हैं कर रहे हैं, तो इसे आईटी गवर्नेंस कहते हैं। इसके बाद हमारी स्टडी ये कहती है कि जो आईटी गवर्नेंस इंस्टीट्यूट है उसका बोर्ड बैठा और उसने कुछ बोर्ड ब्रीफिंग की आईटी गवर्नेंस के बारे में, तो उसने सक्सेसफुल आईटी के टर्म्स में, आईटी गवर्नेंस के टर्म्स में सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस के बारे में बताया। उन्होंने कहा वो सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस हैं जो रिस्क को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बेनिफिट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब आईटी के बेनिफिट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और रिस्क को अंडरस्टैंड करते हैं, रिस्क को समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, रिस्क के बारे में पूरा ऑर्गेनाइजेशन समझता है। मतलब यानी कि वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हायर मैनेजमेंट समझता है, कोई भी रिस्क आता है उसको उसके बारे में अवेयरनेस फैला दी जाती है, स्पॉक्स होते हैं फैलाने के लिए, तो रिस्क समझते हैं और आईटी के बेनिफिट्स एक्सप्लॉइट करते हैं। यानी आईटी, जब आईटी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है एक रीजनेबल लेवल कॉस्ट पर आ जाती है तो उसको यूज़ करके इफेक्टिवली यूज़ करने लगते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहला काम जो सक्सेसफुल एंटरप्राइज करते हैं वो आईटी स्ट्रेटेजी और बिजनेस स्ट्रेटेजी दोनों अलाइन होनी चाहिए उनकी। अगर मान लिया बिजनेस स्ट्रेटेजी और आईटी स्ट्रेटेजी अलाइंड नहीं है तो प्रॉब्लम है। बिजनेस स्ट्रेटेजी के अनुसार आईटी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बिजनेस स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी के उसको हेल्प करती है आईटी स्ट्रेटेजी। आज की डेट में क्या है, कई जगह पर बिजनेस स्ट्रेटेजी और आईटी स्ट्रेटेजी तकरीबन मर्ज करती हैं, जैसे फेसबुक है, गूगल है, इनमें आईटी स्ट्रेटेजी और बिजनेस स्ट्रेटेजी मर्ज कर जाती हैं। दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में को मैं आईटी स्ट्रेटेजी और गोल्स को नीचे तक कैस्केड किया जाता है, बताया जाता है। एक हर एक आदमी को आईटी की स्ट्रेटेजी पता होती है ऑर्गेनाइजेशन की, आईटी की स्ट्रेटेजी और गोल्स के बारे में ऑर्गेनाइजेशन में पता होता है। अगर उन्हें अवेयरनेस है तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर आईटी के लिए स्ट्रक्चर होता है जो कि इनकी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करता है और गोल्स को इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद आपस में जो आईटी हैं, बिजनेस हैं, एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं, आउटसोर्सिंग पार्टनर्स हैं, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है और कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप होता है और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। मतलब अगर मान लीजिए सपोज कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो जाता है। तो एक आईटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यही काफ़ी नहीं है, आपको उसको कैस्केड भी करना है। आपके पास एक कम्युनिकेशन, आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, जहां पर कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन हो, कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप हो और फाइनली आईटी की परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो। तो अगर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें ये सारी सक्सेसफुल आईटी एंटरप्राइज है, सक्सेसफुल आईटी डिपार्टमेंट है, सक्सेसफुल आईटी इन्वायरमेंट है, तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। वो रिस्क को अंडरस्टैंड करेंगे, बेनिफिट्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, आईटी की स्ट्रेटेजी और बिजनेस की स्ट्रेटेजी आपस में अलाइन होंगी, नीचे तक कास्केड होगा आईटी स्ट्रेटेजी और गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा जो कि ये सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करेगा, आपस में कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप होगा, इफेक्टिव और ईजी कम्युनिकेशन होगा बिजनेस, आईटी, एक्सटर्नल पार्टनर, आउटसोर्सिंग पार्टनर सबके बीच में, और आईटी फ्रेमवर्क ये अडॉप्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, और आईटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट करने में और इम्प्लीमेंट करने में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लोग इंसिस्ट कर रहे होंगे कि ये फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया जाए क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हो चुकी होगी, और फाइनली परफॉर्मेंस मॉनिटर हो रही होगी और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ उसको देखा जा रहा होगा कि वेरिएशंस कितने जा रहे हैं। फर्दर ये कहता है कि अगर मान लीजिए सपोज एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका बोर्ड और मैनेजमेंट जो है उसको कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ असेसमेंट करना पड़ेगा, उनकी कैपेसिटी देखनी पड़ेगी, कई चीज़ों का असेसमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो ये बोलता है कि
बिजनेस प्रैक्टिसेस चेंज होती चली जा रही हैं, बिजनेस मॉडल्स चेंज होते चले जा रहे हैं। कल की डेट में अमेज़ोन में आप क्या करते, पहले कल की डेट में क्या है, आप कोई किताब ख़रीदनी है तो पुराने ज़माने में हमें कोई किताब चाहिए होती थी तो हम नई सड़क हम पता करते थे, देखते थे, कैटलॉग देखते थे, किताब होती थी पुरानी किताब के पीछे देखते थे, एडवर्टीज़मेंट होता था। मान लिया सपोज किसी कॉमर्स की बुक है या फिजिक्स की बुक है तो उसके पीछे कैटलॉग होता था, नई सड़क से ये एडवर्टीज़मेंट होते थे, उसे देखते थे, उसमें देखते थे अच्छा ये किताब है, और फिर क्या करते थे हम एक VPB वैल्यूबल पेबल पोस्ट ऑफिस में जाकर उसको पैसा भेजते थे एडवांस, वो किताब भेजता था, वो किताब जब हमें भेजता था तो हम डाक बाकी का पैसा VPP के थ्रू देते थे, उसके पास किताब हमारे पास आ जाती थी, पैसा उसके पास चले जाता था, इस तरीके से काम होता था एक किताब वगैरह में खरीदनी। आज की डेट में अमेज़ोन है, आप क्लिक क्लिक करते हैं, पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, वहाँ से कुरियर हो जाता है, किताब आपके पास आ जाती है, किताब आपके पास कुरियर के थ्रू आती है। आज भी अमेज़ोन है आज की डेट में US में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो ड्रोन्स क्रिएट कर रहा है, यानी कि आपके पास आने में टाइम क्यों लगे, वहीं पर ड्रोन उठाएगा, उड़ेगा और आपके वहाँ आपको वो किताब दे देगा। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी चेंज होगी, पहले एक चेन थी मैनेजमेंट की, चेंज नहीं सॉरी एक लोगों की चेन थी जो आपको अमेज़ोन से यहाँ किताब या कोई भी चीज़ आपने ऑर्डर की देते थे। पहले क्या होता था कि आप इवन वेबसाइट में नहीं देखते थे, आपको दुकान में जाना पड़ता था या लोकल शॉप में जाना पड़ता था या एडवर्टीज़मेंट देखना पड़ता था और मंगाना पड़ता था। आज की डेट में क्या है, अमेज़ोन की साइट में देखिए कौन कौन से चीज़ें क्या कॉस्ट आ रही है, दूसरी साइट्स में देखिए, फ्लिपकार्ट की साइट्स में देखिए, और फिर उसके बाद डायरेक्टली आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है बिज़नेस मॉडल चेंज हो रहा है, बिज़नेस प्रैक्टिसेस चेंज हो रही हैं, और इसका एडवांटेज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, IT इनेबलिंग कैपेसिटी है कि नहीं है इसका एडवांटेज लेने के लिए, IT इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। इनेबलिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है जो एक ऐसी कैपेसिटी जो आपको इनेबल करे इन नई चीज़, नई बिजनेस मॉडल और नई प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए। तो बोर्ड और मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा कि भैया ये नए टेक्नोलॉजी आ रही है, नए बिजनेस मॉडल्स बन रहे हैं, नई बिजनेस प्रैक्टिसेस आ रही हैं और ये चेंज होती रह रही हैं बिजनेस प्रैक्टिसेस, क्योंकि ऑटोमेशन होता जा रहा है और सारी चीज़ें इंक्रीज्ड कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि IT में क्या है कि कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट लगेगी तो वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट रिटर्न होना चाहिए IT इन्वेस्टमेंट से। अगर रिटर्न नहीं हो रहा है तो IT का फ़ायदा क्या है? अगर आप कोई चीज़ ऑटोमेट कर रहे हैं तभी आप ऑटोमेट करेंगे ना, जब आपकी कॉस्ट निकल जाए। आज की डेट में रोबोट्स हैं, कई जगह पर लग सकते हैं, लेकिन वो रोबोट्स कॉस्टली हैं, वो कॉस्टली इतने ज़्यादा कॉस्टली हैं कि ह्यूमन बीइंग उसके मुकाबले में सस्ता काम कर लेगा। अगर आपको रिलायबल नहीं लग रहा है ह्यूमन बीइंग तो दूसरे को रख लो, तीन रख लो। लेकिन कल के डेट में जब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चीप होती चली जाती है, पहले टेक्नोलॉजी कॉस्टली होती है, फिर धीरे 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 चीप होती चली जाती है, और एक रीजनेबल लेवल के बाद टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो जाती है कि वो मार्केट अडॉप्ट कर लेती है, क्योंकि फिर वो क्या करती है कि एक ह्यूमन बीइंग है ये मालूम पड़ा उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, उस आपकी रोबोट्स की कॉस्ट कम आ रही है या ऑटोमेशन की कॉस्ट कम आ रही है, या जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं कार बनाने में, ये में वहाँ पर कॉस्ट कम आ रही है। तो बेसिकली आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं है करंट टेक्नोलॉजिकल IT की जो करंट टेक्नोलॉजी है उसकी कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर S6 फ़ोन निकल रहा है, S5 निकल रहा है, 50,000 रुपये का फ़ोन है, 55,000 रुपये का फ़ोन है, आप कहते हो कि इतने में इतना महंगा मुझे फ़ोन नहीं लेना है, इंतज़ार कर लीजिए दो साल में या 3 साल में वो फ़ोन 10,000 12,000 15,000 का, उससे बेटर क्वालिटी का, उससे अच्छा एंड्रॉयड वर्जन, उससे अच्छा लुक का फ़ोन आपको उससे सस्ते में मिल जाएगा। तो आपको ये देखना है कि कब टेक्नोलॉजी लगानी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो फास्ट मूव कर रही है और ऑप्टिमम लेवल पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जानी चाहिए, यानी कि जब कॉस्ट ऑप्टिमम आ गई तो आपको उसे अप्लाई कर देना चाहिए, वहाँ से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लेट हो गए तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज़ करने लगेंगे और आप पीछे रह जाएंगे, आप कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह पाएंगे। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा,
ये इंटरकनेक्टेड डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें क्या है कि डिपेंडेंस है, और ऐसी डिपेंडेंस है कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर है। आप लास्ट माइल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, लास्ट माइल तक आपका प्रोटेक्शन होना चाहिए, यानी कि आपका सर्विस प्रोवाइडर तक प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर, सारे सर्विस प्रोवाइडर डाउन हो गए तो वहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड है, वहाँ पर रिस्क हैं, रिस्क कई रिस्क आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं। उसके अलावा BCP भी आपको बिज़नेस कंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी। IT में आप रिलाई कर रहे हैं, आपके एक कॉल सेंटर खोल रहे हैं, HDFC का कॉल सेंटर है, वो चाहता है कि रिलायबल सर्विस रहें, उसके कस्टमर को हर समय सर्विस रहें, वो USA में कस्टमर बैठे हुए हैं, तो बिज़नेस कंटिन्यूटी रहनी बहुत ज़रूरी है। मालूम पड़ा आपका 2 दिन के लिए आपका कॉल सेंटर बंद हो गया, तो HDFC तो उसकी तो रेपुटेशन चले जाएगी, तो वहाँ पर बिज़नेस कंटिन्यूटी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप कई बार क्या होता है, IT बिल्ड्स ऑन नॉलेज, और नॉलेज के ऊपर आपके पास डेटाबेस बिल्ड आउट होता है, उसके ऊपर एक डेटा बिल्ड आउट होता है, उसके ऊपर डेटाबेस बिल्ड आउट होता है, और उसके उससे क्या होता है कि बिज़नेस सस्टेन करता है और ग्रो करता है। तो आपको ये देख लेना पड़ेगा कि ये डेटाबेस मिनी जो इस तरह की चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युलेटिव एफर्ट्स हो रहे हैं कि नहीं, कम्युलेशन ऑफ एफर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, जब IT का इंफ्रास्ट्रक्चर काम करने लगता है तो एसेंशियल नॉलेज क्रिएट हो जाती है, नॉलेज बेस क्रिएट हो जाती है, और वो नॉलेज बहुत एसेंशियल होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करें और ग्रो करें। उसके अलावा क्या होता है कि IT में कई जगह पर फेलियर्स बर्दाश्त नहीं होते हैं, जैसे बैंक है, या फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी रिसर्च कर रही है, आपके ड्रग रिसर्च कर रही है, वहाँ फेलियर बर्दाश्त नहीं होते हैं। अगर कोई ड्रग रिसर्च कर रही कंपनी और डेटा चोरी हो गया तो दूसरी कंपनी के पास चला गया, वो आपसे रिसर्च में आगे हो जाएगी, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। या अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे और किसी और को पहले पता चल गया और उसने पहले बना लिया, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो फेलियर्स को अवॉइड करना इम्पॉर्टेंट है IT में। कई जगह पर क्या है, एंटरप्राइज़ की वैल्यू और रेपुटेशन उस पर डिपेंडेंट करती है। बैंक डेटाबेस में अगर मान लिया सपोज डेटा एक बार वाइप ऑफ हो गया, आप ये नहीं कह सकते यार एक ही बार तो वाइप ऑफ हुआ, उससे कस्टमर कहेंगे कल की डेट में हमारा तो पूरा अकाउंट ही खाली हो जाएगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बोर्ड और मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, इसको एसेस करना पड़ेगा, तभी एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज हम बन पाएंगे। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हम देखें IT गवर्नेंस का, ये क्या है, IT गवर्नेंस का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इश्यूज समझे, मैनेजमेंट मतलब पूरा मैनेजमेंट इश्यूज समझे, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझे IT की, और ऑर्गेनाइज जो एंटरप्राइज जो है अपने ऑपरेशन को सस्टेन करे और स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करे और फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनाए और उनको इम्प्लीमेंट करे, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल मिले, कॉस्ट इफेक्टिव रहे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट सर्विस लेवल बढ़े, रिलायबिलिटी बढ़े। तो IT गवर्नेंस का एम जो है कि ये है कि जो IT के प्रति एक्सपेक्टेशन से वो मीट आउट हों, और जो रिस्क हैं वो ख़त्म हो, मिटिगेट हो, ख़त्म तो नहीं हो सकते, मिटिगेट हो, कम हो। थैंक्स।